हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भंडारी जी का बेटा, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जा रहे हैं मालदेवता से आगे अनएक्सप्लोर प्लेस द्वारा में, जहाँ की पैराग्लाइडिंग कराई जाती है। अब देखते हैं कितना मजा आने वाला है वहाँ पे। और मेरे साथ जुड़ चुके अभी मनीष भैया। हेलो मनीष भैया। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं आईजीटी। अभी देखिए आईजीटी कितना प्यारा लग रहा है अर्ली मॉर्निंग में। और अभी आज थोड़ा आफ्टरनून टाइम में आए, तो आईजीटी में बिल्कुल भी जगह नहीं होती खड़े होने की, इतना रश हो जाता है। और ये नेहरू कॉलोनी एकदम रास्ता भी यहाँ का एकदम पोश लग रहा है। जितना सुना है कॉलोनी के बारे में उतना ही लग रहा है। आपका फुआरा चौक पॉल अभी बंद है। अरे, फुआरा चौक से हमको राइट लेना था 6 नंबर पुलिया के लिए, जो देहरादून की काफी मशहूर पुलिया है 6 नंबर। जाएंगे फ्रेंड 6 नंबर पुलिया से। 6 नंबर पुलिया आपका यहाँ से लगभग 500 मीटर रहता होगा और काफ़ी फेमस है 6 नंबर पुलिया देहरादून में। अगर आप देहरादून के हैं तो आपको अच्छे से पता ही होगा 6 नंबर पुलिया के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस पुलिया है देहरादून की। कूड़ा डस्टबिन में डाले, देखिए कैसे पैर लगा है कूड़ा। रोड जो कि कनेक्ट कर रहा है मालदेवता, रायपुर और भी काफ़ी गांव हैं आगे, जो कि अभी मेरी नॉलेज से तो बाहर हैं, लेकिन जितना मेरे को पता है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। अगर इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ठंडा हो रहा है अभी। इतना ठंडा तो अभी हमें रोड में भी लग रहा था जितना यहाँ पे आके लग रहा है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। बात करूँ इस एरिया की, यहाँ पे मुझे लग रहा है देहरादून के मोस्टली साइकिलिस्ट यहीं पे रहते हैं। अरे, साइकिलिस्ट यहीं पे दिख रहे हैं मेरे को आज, देखिए। तो एक एक ग्रुप है और एक ग्रुप आ गया है, ये साइकिलिस्ट आ रहे पूरे पूरे ग्रुप ही ग्रुप है यहाँ पे साइकिलिस्ट अभी। या फिर मैं भी हो सकता है संडे है तो सब राइड पे निकले हूँ। देहरादून के राइडर्स हैं, सबके मुंह से ही सुना है कि ये देहरादून की मोस्टली बेस्ट रोड है राइडिंग करने के लिए। एकदम स्ट्रेट देख सकते हैं, जिसका कोई एंड ही नहीं है, तो इसलिए काफ़ी फेमस रोड है ये देहरादून के राइडर्स के लिए। और मुझे तभी लगता है कि सारे राइडर्स यहीं पे आते हैं राइडिंग के लिए। व्यू की बात करूं तो यहाँ का व्यू एकदम नेक्स्ट लेवल है। ये देखिए मनीष भैया क्या मज़े ले रहे हैं यहाँ पे वादियों के। पूरा व्यू देख सकते हैं आप, क्या नेक्स्ट लेवल आ रहा है। पूरे पहाड़ी पहाड़ और पहाड़ों के बीच में ये एक प्यारी सी रोड। ये देखिए हमारे साइकिलिस्ट, हमारे नौजवान। सुनते ही होंगे आप मेरी लास्ट वीडियो में, ये नहीं हमारे जो पूर्व सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, लेकिन अब हमारे नए सीएम तीरथ सिंह रावत जी आ चुके हैं। मेरी उस वीडियो के अगले दिन ही उत्तराखंड के सीएम चेंज हो गए। जब आप रोड में हो और आगे आपके साइकिलिस्ट चल रहे हो, एक नया ग्रुप, तो एक अलग ही खुशी मिलती है ना कि हाँ भाई और लोग भी हैं जो हमारी तरह साइकिलिंग कर रहे हैं।
देखिए मैं दिखाता हूँ आपको जो हमारे आगे दूसरा ग्रुप चल रहा है साइक्लिस्ट का। एक अलग ही फीलिंग होती है जब दूसरे साइक्लिस्ट मिलते हैं, उनसे हाय हेलो होता है। भूल चुके हैं रास्ता किधर है, तो अभी मनीष भैया गूगल मैप खोल के चेक कर रहे हैं। मनीष भैया इधर आओ। मनीष भैया हमें यहाँ पे गूगल मैप खोल चुका है अपना यहाँ पे। अभी हमें रास्ता नहीं पता कहाँ जाना है हमको। कितना है? 8.3। अब 8.3 किलोमीटर रह चुका है हमारी डेस्टिनेशन। डिसाइड हुआ है कि हमें सीधा जाना है, लेफ्ट नहीं। वो बाकी साइकिलिस्ट लेफ्ट जा रहे थे तो हमें लगा लेफ्ट होगा, पर नहीं, हमें तो सीधा जाना है। तो सिर्फ यहाँ से 1 किलोमीटर और शायद दारा यहाँ से 5 किलोमीटर अगर हम लेफ्ट जाते। बहुत जल्दी आ गए यार, हमने बहुत जल्दी कवर कर लिया ना। ये देखिए सबके रिएक्शन देख रहे हो, हमने इतनी जल्दी कवर कर दिया, इतने खुश हो रहे हैं ये लोग, इतनी खुशी बोल रहे। 1 किलोमीटर रह गया अब। ये है माल देवता का पुल, जो कि काफ़ी फेमस माल देवता ब्रिज के नाम से। अगर आप समर्स की बात करें तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि सारे देहरादून के लोग पिकनिक मनाने यहीं पे आते हैं। कोई पूरा सूखा पड़ा है। देखिए बाकी साइकिलिस्ट यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। हेलो भारती भैया, ये भारती भैया हमारे, जो मैं अभी भारती भैया की बात कर रहा हूँ, ये हमारे देहरादून के काफ़ी फेमस साइकिलिस्ट हैं, जिन्हें हर कोई जानता है, हर साइकिलिस्ट जानता है। को सामने वो रोड दिख रही होगी, तो हम वहाँ से कवर करके यहाँ पे आए हैं। ये देखिए यहाँ से एलिवेशन शुरू होता है पूरा। हम इतना घूम के वो ब्रिज होते हुए अब यहाँ पहुँचे। वो देखिए सामने, अभी हमें वहाँ सामने जाना है। एलिवेशन देखो आप कितना तगड़ा है, बोलते हैं एलिवेशन। मसूरी का भी, मसूरी और ये बराबर ही मान लीजिए। मज़ा आ रहा है, पीछे मनीष भैया लोग भी आ रहे हैं। तो हम वहाँ से आए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप ये पूरा रोड जा रहा है। वहाँ से घूम के अभी यहाँ पहुँचे हम। ये एक साइकिलिस्ट आ रहे हैं वहाँ से, अगर आपको दिख रहा होगा तो। जा रहे हैं गांव आते जा रहे हैं। ये देखिए छोटा सा गांव, इतना प्यारा है, इतनी प्यारी जगह में बसा हुआ है ये गांव, वो देखिए आप। सनसेट भी होने वाला है। इतना सुकून है यहाँ पे, ना कोई शोर ना कुछ, एकदम खाली रोड और हम तीन साइकिलिस्ट। अभी जितना ऊपर जा रहे हैं उतना रास्ता ख़राब हो रहा है। अभी काफ़ी माल देवता से काफ़ी हम लगता है 8-9 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। अभी हमने गूगल मैप में चेक किया रिसेंटली, तो 2 किलोमीटर दिखा रहे हैं। अभी दुकानें आ गई, छोटा सा गांव, मुझे लग रहा है लास्ट यहाँ पे शॉप दूंगी है, फर्स्ट दुकान दिखाई थी आपको। तो अभी हम वहाँ पे चाय पीने रुके हैं। ये हमारे नेगी जी चाय बना रहे हैं हमारे लिए।
चाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, चाय पी लो। और साथ में हमारे बिस्कुट भी आ गए यहाँ पे। निकी जी ने चाय बनाई है, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। हम यहाँ पे दो रास्ते दिखा रहे हैं, अब पता नहीं हमको कहाँ जाना है। यहाँ से देखिए, ये आपका ऑफ रोड आ गया, जहाँ मैंने आपको वो दो रास्ते दिखाए थे वहाँ से हमने राइट नीचे की तरफ लिया है। अब देखते हैं हम सही जा रहे हैं कि नहीं। ये पूरा ऑफ रोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी बैक कैमरे से। ऑफ रोड आ गया पूरा, शायद हम अपनी मंजिल के बहुत करीब है। वो देखिए, वहाँ जाना है शायद अभी हमें। ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर रेडिंग ले, तो मतलब बहुत सही रास्ते पे आए हैं। व्यू देख सकते हैं आप, वाह यार। अभी हमको वहाँ चढ़ना है, आप व्यू देखे तो यहाँ से पूरा देहरादून दिख रहा है, यहाँ से नेक्स्ट लेवल देहरादून। तो फाइनली पहुंच चुके हैं द्वारा, पैराग्लाइडिंग व्यू ये एंड होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ से व्यू देखिए आप एक बार, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। वो नीचे पूरा देहरादून दिख रहा है, काफ़ी एलिवेशन थे रोड में, पर कोई बात नहीं, हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपका रायपुर स्टेडियम सब चीज़ दिख रहा है यहाँ से। ये जगह बहुत कम साइकिलिस्टों को पता है कि यहाँ पे द्वारा में ये पैराग्लाइडिंग व्यू है। जल्दी से यहाँ पे हर कोई साइकिलिस्ट नहीं आता क्योंकि बहुत एलिवेशन है। कि टॉप 10 सीक्रेट प्लेस में आता है, जो कि खाली राइडर्स को पता है ये जगह के बारे में। व्यू तो नेक्स्ट लेवल है यहाँ से। अगर आपको कभी पैराग्लाइडिंग करनी हो तो यहाँ पर आइए। पर जैसे यहाँ पे एकदम आप देख सकते हैं कितना साफ़ सफाई है, तो बिल्कुल ऐसी ही साफ़ सफाई बरकरार रखी है, क्योंकि जैसे दून वासियों को कोई दिक्कत ना हो और यहाँ के लोगों को भी कोई तकलीफ़ ना हो। फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं यहाँ पे मैगी बनाने, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉप तो थी नहीं, तो हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना मैगी बनाई जाए। ये हमारी मैगी, ये देख सकते हैं आप, अभी हमारी मैगी बन रही है, जो कि हमारे शेफ मिस्टर बुद्धि ये मैगी बना रहे हैं यहाँ पे। एक बार ज़रा कैमरे की तरफ हाई करेंगे सर, शेफ सर एक बार कैमरे की तरफ हाई कर दो। मैगी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, हमने अंदर से पूरा धो दिया है, पर अफसोस हमारे मनीष भैया को बहुत भूख लग रही है अभी भी, और अब क्या करें, हमारा पानी ख़त्म हो गया है और यहाँ आसपास कोई हैंडपम्प भी नहीं है, तो हम सोच रहे हैं वापस चले जाएं नीचे की तरफ। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस।
गाइस अभी द्वारा से नीचे आते हुए हमारा अचानक से प्लान बना कि मालदेवता थोड़ा नदी में होके आए, मालदेवता की जो नदी है टोट नदी, तो अब हम थोड़ा स्विमिंग करने जा रहे हैं मालदेवता में। अभी इतना जल्दी घर जाने का मूड नहीं है, तो इसलिए अब हमने सोचा थोड़ा स्विमिंग किया जाए। पहुँचिए मालदेवता, अब थोड़ा स्नान किया जाए मालदेवता के पानी में। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का मालदेवता का। Thank you.